हाय एवरीवन, आप सभी का आज किस वीडियो में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम आपको तो बताएंगे, अगर आपकी मॉर्फो डिवाइस ई के वाई सी करते समय वर्क नहीं कर रही है तो किस प्रकार करेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम अपना सबसे पहले पुराना सॉफ्टवेयर आरडी सर्विस का उसको रिमूव करेंगे। गूगल में टाइप करेंगे आरडी सर्विस, इस लिंक पर आरडी सर्विस ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने क्लिक कर दिया, मेरे फोन की नेट स्लो चल रही है। थोड़ा वेट करेंगे। ये देखिए हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ ये देखिए, ये डाउनलोड पर, और ये तीसरा वाला है जो कि बीच का, पहले एंड्रॉयड है, फिर विंडो है, फिर दूसरा विंडो है, इसको डाउनलोड करना है। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए यहाँ फाइल में जाएंगे, डाउनलोड पर जाएंगे, और यहाँ देखिए ये रहा, यहाँ इसको राइट क्लिक करके एक्ट्रैक्ट हेयर फाइल पर क्लिक कर देंगे। मेरी ऑलरेडी है इसलिए दिखा रहा है। आप इसे एक्ट्रैक्ट करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ये देखिए ये डबल क्लिक करके रन कर लें इसको, उसके बाद का प्रोसेस बताते हैं। ये रन हो जाएगा आपका, ये तो सभी जानते ही हो। चलिए अब देखिए दूसरा काम आपको करना है। यहाँ जाएंगे, ये कंप्यूटर है आप खोलेंगे, और इसे खोलेंगे विंडो, और यहाँ पर देखिए मॉर्फो वाला ये खोलेंगे। यहाँ पर देखिए मैं जो जो सेटिंग खोलता जा रहा हूँ आपको वही खोलना है आपको। और यहाँ पर देखना है आपको ये कम्युनिकेशन में, यहाँ पर ये एक हुआ आपका तो इसे ज़ीरो करना है। मेरा पहले से ज़ीरो है, किसी किसी में एक होता है तो आपको वो ज़ीरो करना है, और ये सेव कर देना है। इसको कट कर देंगे। दूसरी सेटिंग आपको करनी है, विंडो पर जाना है, यहाँ सर्च बार में सर्विस लिखना है ऐसे। यार देखिए सर्विस आ चुकी है। अब यहाँ पर ये देखिए एम पर जाएंगे, एम मॉर्फो की दो हो गई ऑप्शन। ये देखिए मॉर्फो, इसको रीस्टार्ट करेंगे। ये देखिए सक्सेसफुली दिखा रहा है। ये देखिए दूसरे वाले को रीस्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे दोनों ये रिस्टार्ट हो चुके हैं, मशीन लगा दी है हमने। अब देखिए यहाँ पर पॉपअप आएगा सक्सेसफुली का, थोड़ा वेट करेंगे। अब देखिए हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम आधार कार्ड अपना देखेंगे। ये देखिए आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ई के वाई सी करके दिखाएंगे आपको। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, देखिए मैंने आधार कार्ड नंबर डालिया। यहाँ पर कैप्चर फिल करेंगे, कैप्चर फिल करने के बाद सर्च वाले पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद देखिए मैं अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लिया, और ये गेट ओटीपी, इस पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर देखिए ओटीपी आ चुका है, हम फिल कर लेंगे। और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे।
गलत डल गया था, ये दोबारा डालना है। यहाँ देखिए ये सभी मशीनों के ये दिए हुए हैं ऑप्शन, ये मॉर्फो मेरी मॉर्फो है तो मैं मॉर्फो पर क्लिक करूँगा। मेरे मशीन में लाइट जल चुकी है, देखिए यहाँ पर कैप्चर सक्सेसफुली लिखा आएगा, देखिए कैप्चर सक्सेसफुली लिखा आ चुका है और हम इसको ड्रैग करके सबमिट क्लिक कर देंगे। देखिए ई के वाई सी डन, मेक पेमेंट पेमेंट करने को बोल रहा है। यहाँ पर देखिए ये हमारी सी एस टी आई डी खुल के आ गई, 5 रुपये 34 पैसे कटेंगे। यहाँ पासवर्ड डालने को बोल रहा है, सी एस टी का पासवर्ड डाल देते हैं हम और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। सॉरी गलत पासवर्ड डल गया, देखो दोबारा डालेंगे। जो कुछ हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है, देखें देखिए हमने दोबारा डाल लिया और देखिए वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। देखिए ये वैलिड पिन मांग रहा है बैलेंस काटने के लिए। देखिए आपके सामने ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, देखिए योर रजिस्ट्रेशन पेमेंट है सक्सेसफुली।